नमस्कार सिंह जी, हाउस चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप अपने प्लॉट का फ्री में नक्शा तैयार करवाना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के यूट्यूब ऐप ओपन कर टाइप करें SINGHJI स्पेस HOUSE सिंह जी हाउस को सर्च करें। कुछ समय बाद हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन पर लिखे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। बाद हमारा कोई भी वीडियो ओपन कर नीचे स्क्रॉल करें, आपको कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। वहां आप अपने प्लॉट का पूरा ब्यावरा दें। इस प्रोजेक्ट में 1500 स्क्वायर फीट एरिया में डुप्लेक्स हाउस का नक्शा तैयार किया गया है, जिसकी चौड़ाई 30 फीट एवं लंबाई 50 फीट है। आप इसे 30x40 स्क्वायर फीट, 30x45 स्क्वायर फीट एरिया में भी तैयार करा सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने सर्वप्रथम हाउस के फ्रंट फेस एवं आउटसाइड के डिजाइन को दिखाने का प्रयास किया है। यह नक्शा साउथ एवं नॉर्थ फेस प्लॉट को ध्यान पर रखते हुए वास्तु के आधार पर हाउस का डिजाइन तैयार किया गया है। इस प्रोजेक्ट में मेन डोर आउट एवं एंट्री गेट पूर्व एवं पश्चिम रखा गया है, जो वास्तु पर आधारित है। अगर आपके प्लॉट का फ्रंट फेस ईस्ट या वेस्ट है तो आप मेन डोर आउट एवं एंट्री गेट पूर्व एवं पश्चिम रख सकते हैं। हमारे सब्सक्राइबर के प्लॉट के फ्रंट साइड को छोड़कर शेष तीनों साइड बंद होने के कारण घर के वेंटिलेशन पर खास ध्यान दिया गया है, जहां आपको प्रत्येक रूम, किचन एवं डाइनिंग हॉल तथा टॉयलेट में प्रॉपर लाइट मिलेगा। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल सिंह जी हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर के रिक्वायरमेंट के आधार पर घर का नक्शा तैयार करते हैं। अगर आप भी हमसे अपने प्लॉट एरिया के आधार पर घर का नक्शा तैयार कराना चाहते हैं तो आप हमारा कोई भी वीडियो ओपन कर नीचे स्क्रॉल करें, वहां कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। वहां अपने प्लॉट की लंबाई, चौड़ाई एवं फ्रंट दिशा के साथ साथ ग्राउंड फ्लोर में कितने बेडरूम, टॉयलेट, हॉल तथा सीढ़ी बाहर से देना है या हॉल के अंदर से, पूरा ब्यौरा टाइप कर हमारे पास भेजें। इस प्रोजेक्ट का पार्ट 1 एवं पार्ट 2 हम अपने आने वाले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। हमारी टीम आपका एक प्रोजेक्ट तैयार करने में बहुत मेहनत करती है। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल सिंह जी हाउस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा मनोबल और बढ़ेगा। इसके आगे हमारा पूरा वीडियो देखें और एंजॉय करें।